हेलो दोस्तों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं लेटेस्ट से बुक के फिफ्थ चैप्टर लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन बी डॉट ए। इस क्वेश्चन के अंदर में बोला गया अटेम्प्ट द फॉलोइंग के अंदर क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट ओवर टाइम पे फॉर 10 एम्प्लॉइज। 10 एम्प्लॉय का ओवर टाइम निकालना है। ओवर टाइम इज पेड एट द ₹10 पर आवर फॉर एवरी आवर वर्क अबाउ 40 आवर्स। अज्यूम दैट एम्प्लॉय डू नॉट वर्क फॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एन आवर। मतलब कि एम्प्लॉय पूरे घंटे के अंदर पूरे आवर्स के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, तो 10 एम्प्लॉयज की हमें आवर्स निकालनी है, मतलब ओवर टाइम कैलकुलेट करना है ₹12 पर आवर के अकॉर्डिंग। तो इसके लिए हमारे पास 10 तो है एम्प्लॉयज, उनके नाम हमारे पास में नहीं है, तो हम उसको आइडेंटिफाई कर देंगे ऑर्डर नंबर 1, 2, 3 से। और किस एम्प्लॉय ने कितने आवर्स कैलकुलेट करें, एक्स्ट्रा काम करें, तो उस चीज को हमें इससे कैलकुलेट करना है। तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, इनपुट के अंदर क्या लेंगे, इनपुट रिक्वायर्ड है नंबर ऑफ ओवरटाइम आवर्स, कितना उसने ओवरटाइम करा है उसके अकॉर्डिंग, और एम्प्लॉय का नंबर तो हम अपने आप डिफाइन कर देंगे, एम्प्लॉय नंबर 1 ने कितना करा है, एम्प्लॉय नंबर 2 ने क्या करा है। तो इस चीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं व्हाइल लूप के थ्रू। सबसे पहले फाइल सेव कर लेते हैं ताकि कुछ गड़बड़ होने पर हमारा डेटा लॉस ना हो। ओवर टाइम सबसे पहले हमने लिखा इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर है लाइब्रेरी अभी, इंक्लूड conio.h। ये किस लिए यूज में लेते हैं, हम हमारे हर प्रोग्राम के अंदर बताते हुए हैं, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको स्टडी करें। डैच फॉर होल्डिंग स्क्रीन एट आउटपुट, clrscr फॉर क्लियरिंग द स्क्रीन इफ एनी आउटपुट इज डिस्प्लेड ऑन आवर कमांड प्रॉम्प्ट और आउटपुट स्क्रीन। तो देखिए, अगर हम लूप का यूज ना करके नॉर्मल प्रोग्राम बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, 10 तो एम्प्लॉय हो जाते हैं, इंट emp1 emp2 emp3 ऐसे करके टोटल 10 एम्प्लॉय की वेरिएबल डिक्लेयर कर दें। लेकिन हमारे पास में वेरिएबल एक से ही काम हो जाएगा, इंट एम्प्लॉय नंबर, ये हमारा एम्प्लॉय नंबर हो गया। हमारे पास में टोटल 10 एम्प्लॉय हैं और वर्किंग आवर्स किसके कितने हैं ये हमें इनपुट के अंदर लेना है। ओवर टाइम आवर्स ये यहाँ पे हो गए हमारे पास में। तो देखिए इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले व्हाइल लूप को करने के लिए हम आई को इनिशियलाइज कर देते हैं, i=1 से हमने स्टार्ट कर दिया। व्हाइल कंडीशन चेक क्या करेंगे, जब तक कि 10 एम्प्लॉय पूरे ना हो जाएं, i < 10, तब तक ये वाला ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होता रहेगा प्रोग्राम का। उसके बाद में हमने क्या बोला था कि जो लूप इनिशियलाइजेशन है, लूप काउंटर है, वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं i = i+1, या फिर हम इसको कर सकते हैं i++। ठीक है, अब देखिए प्रोग्राम के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, हमने लिया है एक ओवर टाइम को लेने के लिए और एक एम्प्लॉय के नंबर को लेने के लिए। तो एम्प्लॉय का नंबर तो यहाँ पे हो गया था आई, जो हमने लिख रखा ये एम्प्लॉय नंबर, एक्चुअली ये हमारा प्रोग्राम एरर देता है, इसको एम्प्लॉय नंबर से करना पड़ेगा। एम्प्लॉय नंबर अब देखिए, अब कहेंगे कि आपके दिमाग में आइडिया कैसे है कि इसको ऐसे करना है, क्योंकि देखिए हमने अभी तक तो हमने नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे इफ एल्स का यूज करके किस तरह से का काम करना। तो 10 एम्प्लॉय की अगर हमें डेटा इनपुट में ले तो हम 10 वेरिएबल डिक्लेयर करते, 10 टाइम स्कैनअप लिखते, 10 टाइम प्रिंटअप लिखते, 10 टाइम उन्हें कैलकुलेट करते किसकी वैल्यू क्या है, किसका ओवर टाइम कितना है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, व्हाइल लूप हमने स्टडी कर लिया, व्हाइल लूप का स्ट्रक्चर हमें पता है, तो एक ही तरह का टास्क हमें बार बार रिपीट करना था, तो कैसे करेंगे। देखिए हमको हर एम्प्लॉय का एंट्री लेनी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले करते हैं प्रिंट एप एंटर
ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय कौन सा है, परसेंटी फॉर्मेट स्पेसिफायर हमने लिखा और यहां पे कर दिया हमने एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, ये हमारा प्रिंट होता रहेगा। इसके बाद में इसकी वैल्यू को हमें स्कैन करना है, इसका ओवर टाइम कितना था, हम क्या लिखेंगे स्कैन एफ। स्कैन एफ में परसेंटी क्या यूज करता है हमारा, ये बताता है कि किस तरह का डेटा में इनपुट में आ रहा है, एम परसेंट एमपी नंबर, एम परसेंट बताता है मेमोरी लोकेशन वेरिएबल की। तो देखिए इसके थ्रू हमने इनपुट के अंदर ले लिया। अब इस प्रोग्राम को हम रन करा के एक बार चेक कर लेते हैं ताकि हमको लगे हम कर क्या रहे हैं। ऑल्ट एफ नाइन सही है, कंट्रोल एफ नाइन। देखिए क्या लिखा है, एंटर ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय वन, तो ये डाल दिया हमने यहाँ पे 34। इसके बाद हम लाइन ब्रेक कर देते हैं, यहाँ पे वैल्यू चली जाएगी एम्प्लॉय नंबर की, स्कैन एप के अंदर इसकी डेटा एंट्री हो गई है, आई इज लेस देन इक्वल टू वन है और ये सब कुछ हो गया। ओवर टाइम एच वैसे का वैसा लिखा रहेगा, एफ टू हमने सेव कर दिया, कंट्रोल एफ नाइन। अब देखिए एंटर ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय वन, तो हमने क्या एंट्री करी 23। डेट टाइम ऑफ दिस बार बार क्यों चेंज होता जाता है ये, देखिए हमने क्या गड़बड़ कर रखी है, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, एम्प्लॉय नंबर का हमने वापस से इनपुट में ले लिया कि इनपुट में क्या डाल रहे हैं, जबकि हमें इनपुट में क्या लेना था ओवर टाइम आवर्स। ओवर टाइम आवर्स ना लेकर के चलिए हम ले लेते हैं इसके अंदर टोटल वर्किंग आवर्स, ताकि इफ एल्स का यूज भी कर लेंगे। टोटल आवर्स की हमने इसके ऊपर एंट्री ले ली है, अब हम इसको रन करा लेते हैं। एम्प्लॉय वन के टोटल वर्किंग आवर्स कितने हो गए 34, एम्प्लॉय नंबर टू के कितने आ गए 56, 1, 2, 78, 34, 67, 1, 2। देखिए इतना सारा काम हो रहा है, हमने केवल एक बार लिखा है प्रिंट अप और स्कैन अप, ये सारा कुछ हमारा होता जा रहा है जितने वैल्यूज है। अगर 100 एम्प्लॉय होंगे तो 100 एम्प्लॉय के लिए भी सेम ही काम करेगा। तो इस तरह से लूप का हम यूज कर रहे हैं। अब हमने यूज क्या करा हुआ है, 10 एम्प्लॉयज तो है, 10 एम्प्लॉयज का आवर्स कैलकुलेट करना है, तो उनका टोटल मतलब ओवर टाइम कितना कैलकुलेट हो गया, पर आवर का हमें क्या दिया था 12 आवर्स, मतलब 12 रुपए पर आवर के अकॉर्डिंग उनका दिया हुआ था हमको ओवर टाइम। तो ओवर टाइम अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, देखिए डिस्प्ले में देते हैं हम यहाँ पे प्रिंट एप, देखिए डायरेक्ट नहीं करके हम सिंपली कर देते हैं कि उसका टोटल ओवर टाइम कितना बन रहा है, टोटल ओवर टाइम, ओवर टाइम की रेट कितनी होगी यहां पे लिख लेते हैं, टोटल ओवर टाइम कितना बनेगा उसका, कि जो भी आपने आवर्स एंट्री करे हैं उसके वर्किंग आवर्स, उसमें से 40 आवर्स तो माइनस हो जाएंगे क्योंकि 40 आवर्स तक तो किसी का ओवर टाइम बनेगा नहीं, उसके बाद में जो चीज आएगी उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, तो ये उसका हो गया टोटल वर्किंग, टोटल ओवर टाइम का पैसा। अब इसको हम डिस्प्ले में दे देते हैं, प्रिंट एप ओवर टाइम चार्जेज ऑफ एम्प्लॉय इज परसेंटी पहले क्या एम्प्लॉय, तो यहां पे आ जाएगा एम्प्लॉय का नंबर, सेकंड वाला क्या ओवर टाइम, तो टोटल ओवर टाइम। तो देखिए हमने सिंपल सा काम करा हुआ है और यहाँ पे हम स्लैश 4 लगा देते हैं, लेकिन न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाए और एक और प्रिंट अप स्टेटमेंट दे देते हैं ताकि लाइन ब्रेक प्रॉपर तरीके से देखिए कि अलग अलग एम्प्लॉय का हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एफ टू से हमने सेव कर दिया, ऑल्ट एफ नाइन से हमने डीबग करके चेक कर लिया, कंट्रोल एफ नाइन। एम्प्लॉय वन देखिए इसका मैंने डाला 34,
34 का ओवर टाइम चार्ज है जो पे एम्प्लॉय वन इज माइनस 72, गड़बड़ आए ये 45, ये ओवर टाइम चार्जेज जो पे एम्प्लॉय टू इज 60, क्यों? क्योंकि 40 आवर्स तक का तो हमने कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना था, 45 उसने एंट्री करी है तो 5 आवर्स उसके एक्स्ट्रा थे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 12 इक्वल टू 60, एंटर ओवर टाइम आवर थर्ड का करते हैं, ये मान लीजिए हमने 40 करा है तो इसका ओवर टाइम वैल्यू कितना आएगा, ओवर टाइम वैल्यू आएगा इसका 0। फोर्थ वाले एम्प्लॉय के ये हमारा कुछ स्टेटमेंट गलत जगह पे एंट्री हो गई है, लाइन ब्रेक उसकी वजह से गड़बड़ आ रही है, इसको जल्दी खत्म करके वापस इसको सही करते हैं। देखिए हमारा जो भी आउटपुट आ रहा था यहाँ पे कुछ अलग ही वैल्यू आ रही थी नेगेटिव के अंदर, बट ओवर टाइम किसी का नेगेटिव तो हो नहीं सकता। जैसे मान लीजिए किसी ने 35 आवर्स की वर्किंग करी थी, तो 35 माइनस 40 करा तो माइनस 5 आ गया, माइनस 5 को मल्टीप्लाई किया 12 से तो माइनस 60 आ गया। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इफ टोटल आवर्स इज ग्रेटर देन 40 तो ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज टोटल ओवर टाइम चार्जेस कितना हो गया उसका 0। ठीक है, ये क्यों हुआ, हमने यहाँ चेक कर लिया क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जा रही थी, तो हमने क्या लिखा, इफ अगर 40 आवर्स से ऊपर का उसका वर्किंग आवर्स है तो हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, अदरवाइज उसका ओवर टाइम कितना हो गया 0। और हमने यहाँ पे प्रिंटअप यहां दे दिया है टोटल एच, ये प्रिंट है, स्कैन ऐप उसके ऊपर चला गया, उसके एंट्री कर दी और ये सब हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं, हटा देते हैं, चलते रहने दो, कंट्रोल F9। अब हम चेक करते हैं, जैसे कि हमने पहले डाला था 35, तो देखिए ओवर टाइम चार्जेस ऑफ एम्प्लॉय वन इज 0 क्योंकि 40 से कम आ गया वो। सेकंड है एंटर ओवर टाइम आवर्स ऑफ वैल्यू 2, सेकंड एम्प्लॉय की ओवर टाइम डालने हमको, जैसे मान लिया 41 डाला तो उसका ओवर टाइम चार्ज कितना देना 12 आना चाहिए, तो 12 आ गया। एंटर ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय 3, थर्ड वाले करना है तो क्या करना है, जैसे मैंने डाले यहाँ पे 45 तो 60 आना चाहिए, 60 आ गया। फोर्थ का हमने 50 डाला तो 120 आना चाहिए, 120 आ गया। फिफ्थ की एंट्री ले रहा है ये आ गया 34, तो हो गया 0, 31 0, 78 करा तो कुछ वैल्यू आई 456, ये कर दिया 9, ये आ गया 0, ये 45, ये हो गया 0, 10 की वैल्यू डाली यहाँ पे डाली 5। अब देखिए इसी प्रोग्राम को हम और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जो कि हमको बिल्कुल क्लियर क्लियर समझ में आने लगे। देखिए यहां से हम इसको हटा देते हैं, प्रिंट ऐप को, और जैसे ही यहां पर आएगा वो वाइल लूप के अंदर, हम प्रीवियस में जो भी लिखा हुआ है उस स्क्रीन को बिल्कुल एकदम क्लियर कर देंगे, लूप हमारा 10 टाइम चलेगा और हमको हर एम्प्लॉय की कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से बताएगा। एंटर ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय 1, ये हमने एंट्री करी 34, गलत जगह पर लग गया, ये स्टेटमेंट ही खत्म हो जाता है, जल्दी जल्दी कर देते हैं। देखिए ये जो हमने सी एल आर एस सी आर लगाया है इसको यहां से हटाते हैं, हम किस जगह पे लगाना चाहिए, यहां से तो हमने प्रिंट करा कि एम्प्लॉय किस एम्प्लॉय की हमें वैल्यू लेनी है, यहां पे हमने उसको स्कैन करा, यहां पे उसकी कैलकुलेशन करी, यहां पे हमने इसको डिस्प्ले में दे दिया। अब स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है, जीई टी सी एच, तो हमने इसको यहां पे लगाया जीई टी सी एच, यहां पे स्क्रीन हमारी होल्ड हो जाएगी। उसके बाद में हम लिखेंगे यहां पे क्लियर स्क्रीन, अब इसको कंट्रोल F9 से कराया, एंटर ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय 1, ये डाला हमने यहाँ पे मान लीजिए 15, तो क्या लिखा हुआ है, ओवर टाइम चार्जेस ऑफ एम्प्लॉय 1 इज 0। इससे पहले जब हमने करा था तो जैसे ओवर टाइम चार्जेस दिखा था उसके जस्ट नीचे सेकंड वाले की एंट्री मांग लेता था, लेकिन इस बार उसने नहीं मांगी क्योंकि हमने एंट्री क्या कर दिया, GETCS लगा दिया, गैच कि स्क्रीन होल्ड पे, अगर मैं कोई की प्रेस करूंगा तभी क्लियर हो गया और ऊपर आ गया एंटर ओवर टाइम आवर्स ऑफ एम्प्लॉय 2। पुराना क्यों क्लियर हो गया, क्योंकि हमने सी एल आर एस सी आर लगा रखा था, क्लियर स्क्रीन। यहाँ पे देखिए 45 करा तो इसकी वैल्यू हो गई 60। ऐसे 1 बाय 1 की जहां पे हमें जिस फंक्शन का यूज करना है उसके अकॉर्डिंग हम
काम कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से व्हाइल लूप का यूज होता है, सभी हर स्टेटमेंट की अपनी वैल्यू होती है, उसको कहां पे यूज करना चाहिए। ऐसे हम आने वाले हर प्रोग्राम के अंदर इस तरह से हर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि हमें कहां यूज करना चाहिए, कहां यूज नहीं करना चाहिए। ओके, थैंक यू।